हेलो फ्रेंड्स, तो डेली करंट अफेयर्स तो हम पढ़ते ही हैं। हर न्यूज़ को एग्जाम के हिसाब से हम समझते हुए भी चलते हैं और उसे याद भी कर लेते हैं विद ट्रिक्स जहां पर भी पॉसिबल होता है। तो मैंने आपको कहा था कि मंथ के लास्ट में हम लोग इस बार कुछ अलग लेकर के आएंगे, तो वो यही है। मतलब जो भी जनवरी में जो भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, जो भी ऑबिचरीज हैं, योजनाएँ हैं, अवार्ड्स हैं, बुक्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ है, जो भी लॉन्चिंग रही है, जो भी अचीवमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस यानी कि फुल फॉर्म्स हैं, देश या विदेश में जो भी पहली बार हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं, जो भी मिलिट्री से संबंधित न्यूज़ रही है, जो भी रैंकिंग रही है, मतलब जो कुछ भी जनवरी में आपका रहा है, उन्हें हम एक साथ टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन फॉर्मेट में लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे वो है नेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो बाकी के जो टॉपिक रहे हैं वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए जनवरी में जो भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स रहे हैं उन पे क्वेश्चन आंसर हम लगा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको ट्रिक याद आ गई होगी, जब हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मैं आपको ट्रिक से याद कराता हुआ चलता हूं। तो ट्रिक ध्यान में लाइए और आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर होगा विजय केशव गोखले को फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसे नियुक्त किया गया है। तो ह्यूमन राइट ट्रिक याद आ रही है, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा इसका गुरुबच्चन सिंह। चलिए अगला देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। तो याद करो वो दिन जब हमने पढ़ी थी इसकी ट्रिक। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसे बनाया गया है, तो अभय को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो वहां मैंने बताया था, क्योंकि वहां मैं ट्रिक से याद कराता हुआ चलता हूं, तो अभी कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होगा कि मैं ट्रिक के साथ आपको बताता हुआ चलूं, क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ट्रिक से बताऊंगा तो बहुत ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको ट्रिक याद आ जाएंगी सारी की सारी, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ट्रिक बताने में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो मैं डेली करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या हो गया, अभय। अगला देखिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन कम एमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, कोलफील्ड, ट्रिक याद आ रही है। तो आंसर क्या होगा, प्रभात सिन्हा, आंसर होगा डी वाला। अगला देखिए क्या होगा, हिमाचल प्रदेश के सीएम किसे नियुक्त किया गया है, वन लाइनर सबको पता होगा, जयराम ठाकुर को। अगला देखिए, बीसीसीआई के जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, ट्रिक याद आ रही है, सबा करीम, जिसे सब आता हो, सबा करीम। चलिए अगला देखिए, GJEPC यानी कि जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा प्रमोद कुमार अग्रवाल, ठीक है। सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने NCDEX के MD CEO किसे नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, ठीक है, विजय कुमार को। चलिए अगला देखिए, वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, अजिंद्र बहादुर सिंह को, ठीक है। अगला देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, ओम प्रकाश रावत को। ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो अचल कुमार ज्योति को। तो अब ओम प्रकाश रावत अचल कुमार ज्योति की जगह ले लेंगे और क्या बन जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो पहले ओम प्रकाश रावत क्या थे, याद रखना, इलेक्शन कमिश्नर। तो अब ये क्या बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर अब कौन है, तो आंसर होगा अशोक लवासा। चलिए अगला देखते हैं, अरे ये तो वही क्वेश्चन ही आ गया जो मैंने आपको बताया, उससे यह क्वेश्चन आ गया। चलो बताइए फिर, इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है अशोक लवासा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो ट्रिक याद आ रही है, गार्ड बताया था मैंने, सिक्योरिटी गार्ड, मेरे घर का गार्ड, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, सुदीप लखटकिया। अगला देखिए, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो फिक्की, तो किसे बनाया गया है, फिक्की चुन लिया गया है, चनॉय, दिलीप चनॉय चुन लिया गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ट्रिक याद आ गई होगी पढ़ते ही, डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, VSSC, ट्रिक याद आ गई, SSC, ठीक है। तो SS यानी कि S सोमनाथ। चलिए अगला देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के फर्स्ट वुमेन चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, उषा अनंत सुब्रमण्यम। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ अंगोला किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि अंगोला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया जाएगा। तो ट्रिक याद आ रही है, गोला ले लो, बर्फ का गोला ले लो, कौन बेचता है, आदमी की औरत, आदमी यानी कि मैन, तो श्री कुमार मैनन, ट्रिक याद आ रही है, काम आ रही है ट्रिक है।
तो SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा एस सेल्वाकर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। या क्या होता है यहाँ पे, जो देश की करेंसी हो गई, सिक्के हो गए, नोट हो गए, जो भी पोस्टल स्टैंप हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबकी छपाई होती है यहाँ पे। और इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, भारत में आपके 4 मिंट हैं, यानी कि 4 टकसाल हैं। कहाँ कहाँ पे हैं तो इसको मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ। बचपन में मेरा एक फेवरेट सीरियल था शक्तिमान। शक्तिमान मतलब मुकेश खन्ना। मेरी इच्छा होती थी शक्तिमान से मिलूँ, मतलब मुकेश खन्ना से मिलूँ। ठीक है, मिलने के लिए कहाँ जाऊँगा? उसके घर पे। तो मैं आपसे क्या पूछता हूँ कि मुकेश खन्ना का हाउस नंबर दे दो मुझे। तो मुकेश खन्ना का हाउस नंबर, यही ट्रिक है कि कहाँ कहाँ पे हमारे भारत के 4 टकसाल हैं, यानी कि मिंट हैं। तो एम से बनेगा मुकेश से एम, तो एम से मुंबई, खन्ना का के से कोलकाता, हाउस का एच यानी कि हैदराबाद, और हाउस नंबर एन से नोएडा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये थोड़े दिन पहले ही हमने न्यूज़ पढ़ी थी। तो किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु नारायण को। ये क्या थे पहले? एडोप के CEO। ठीक है, चलिए अगला बताइए कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि बात हो रही है अमूल की। तो हमने इसको कैसे याद किया था? याद आ गया होगा, राम भगवान दूध पीते हैं, न चाय पीते हैं, न कॉफ़ी पीते हैं, क्या पीते हैं? दूध। तो आंसर क्या होगा? राम सिंह। और इसमें दो अपॉइंटमेंट हमने देखे थे कि चेयरमैन तो राम सिंह को बनाया गया है, और वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो किसे बनाया गया है? दूध से क्या बनती है? मिठाई। तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? के सुजीत मिठाई मैथ्यू। ठीक है, तो मिठाई को मिठाई हमने बोला था। चलिए अगला देखते हैं, इसका आंसर होगा ये वाला। TRF लिमिटेड के MD किसे नियुक्त किया है? मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? और TRF लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ टाटा, तो किसे बनाया गया है? आंसर होगा वन लाइनर, संजय राजोरिया। चलिए अगला देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी, ट्रिक याद आ रही है। आंसर क्या होगा? TS त्रिमूर्ति। AR रहमान को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर होगा क्या? सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। इसरो के 9th न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ट्रिक याद आ गई होगी, उल्टा एडिट करने से इसका आंसर मिल जाएगा। SIVAN, सिवान। आंसर होगा सिवान। ठीक है, और आई मतलब 9, तो कौन से नंबर के? 9 नंबर के। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने प्योंगचिंग साउथ कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक गेम्स 2018, जो कि फरवरी में होने वाले हैं, उसमें शेफ दे मिशन किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? हरजिंदर सिंह को। और साथ में मैंने बताया था, याद रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट भी हाल ही में 2017 के लास्ट में ही हुआ था, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। आप बोल सकते हैं नरेंद्र बत्रा। चलिए अगला देखते हैं, वह भारतीय महिला कौन है जिसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? वन लाइनर आंसर बनेगा, इंदु मल्होत्रा। अगला देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? अनिल खन्ना को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बार्क। ठीक है, डायरेक्ट ही ट्रिक याद आ गई होगी आपको। अब ब्रॉडकास्टिंग, देखिए मैंने आपको सबकी ट्रिक बता रखी है मैक्सिमम, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ट्रिक फटाफट से आपको याद आनी चाहिए, और फटाफट से आंसर पहले ही बता दिया करो मेरे से पहले। ठीक है, तो बार्क, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की फैमिली से ही है, नकुल चोपड़ा। इस तरह से हमने याद करा था। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी, ट्रिक याद आ रही है, नेशन की सिक्योरिटी, सुरक्षा कौन करेगा? मुकेश खन्ना, राजेंद्र सिंह खन्ना आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, माली में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक स्टोरी बताई थी, तो किसे? आंसर होगा इसका, प्रदीप कुमार गुप्ता को। चलिए अगला देखिए, पेरू गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ पेरू में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पेरू में ट्रिक याद आ गई, सर्दी के टाइम न्यूज़ पढ़ी थी हमने। ठीक है, पेरू में सुबह सुबह क्या आ जाती है? सर्दी में सुबह सुबह पैरों की शामत आ जाती है। ट्रिक याद आ गई होगी अब आपको स्टोरी। ठीक है, तो बताओ आंसर, बता दिया क्या होगा आंसर? M सुब्बा रायडू। चलिए अगला देखिए, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो ट्रिक भी याद आ गई होगी साथ में। आंसर होगा जस्टिस UD साल्वी। ठीक है, और ये फरवरी में अपनी पोस्ट से हट भी जाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा भी हो जाएगा। NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? ट्रिक याद आ गई कि हमारे शहर में आओ, शहर में आओ, हमने कहा था, कहानी बताई थी मैंने आपको,
तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल B.S. सहरावत, सहर आवत। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वन लाइनर विनय सहस्त्रबुद्धे। अगला देखिए, BCCI के जनरल मैनेजर किसे बनाया गया है? तो मेरे ख्याल से ये रिपीट हो रहा है फिर से क्वेश्चन, तो अब तो सभी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सब्बा करीम। चलिए लास्ट है, बताएं इसका आंसर आप, और मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, याद दिलाता हूँ कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया की एक मूवी की एक स्टोरी बता करके मैंने आपको याद कराया था। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा संजीव चतुर्वेदी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे, और साथ में उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसको अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।